दोस्तों आईपीएल 2020 में सभी टीमों का 13 मैचेस खत्म हो चुका है और एसआरएच वर्सेस आरसीबी मैच में एसआरएच टीम के जीतने के बाद पॉइंट टेबल बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बन चुका है। जी हाँ दोस्तों, सभी टीमों का सिर्फ एक मैच बाकी है और अभी तक सिर्फ मुंबई इंडियंस की टीम निश्चित रूप से प्लेऑफ में क्वालिफाई कर चुकी है। दोस्तों दिल्ली और बेंगलोर की टीम अपना लास्ट मैच हारने के बाद बहुत ही बुरी तरीके से फंस चुकी है। दूसरी तरफ केकेआर, राजस्थान, पंजाब और हैदराबाद प्लेऑफ के रेस में अभी भी लगी हुई है। आज संडे यानी कि 2 मैच देखने को मिलेगा तो दोनों ही मैच काफी इंपॉर्टेंट मैच होने वाली है। और केकेआर वर्सेस राजस्थान मैच से पहले केकेआर फैंस के लिए बहुत ही बड़ा गुड न्यूज कि आंध्र असल पूरी तरीके से फिट है और केकेआर टीम ने एक प्रैक्टिस मैच भी खेल चुका है। तो मैं इस वीडियो में इस प्रैक्टिस मैच के बारे में फुल डिटेल्स में बताने वाला हूँ, आंध्र असल फिट है कि नहीं और केकेआर टीम का प्लेऑफ में जाने का कितना चांसेस है उसके बारे में भी बताने वाला हूँ। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, अंत तक जरूर देखिए। और आप क्रिकेट और आईपीएल से जुड़े हुए वीडियो देखना पसंद करते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा दीजिए और क्रिकेट की हर छोटी बड़ी अपडेट पाने के लिए मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले केकेआर टीम की प्लेऑफ चांसेस के बारे में बात करें तो अभी तक सभी टीमों का 13 मैचेस खत्म हो चुका है और पॉइंट टेबल बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बन चुका है। लेटेस्ट पॉइंट टेबल के बारे में बात करें तो केकेआर की टीम नंबर 7 में पहुंच चुकी है, लेकिन 13 मैचों में से 6 मैचों को जीतकर 12 पॉइंट्स और भी 3 टीमें बना चुकी है। तो दोस्तों अगर केकेआर टीम प्लेऑफ खेलना चाहती है तो सबसे पहले तो आज राजस्थान टीम के खिलाफ जो मैच है उसको जीतना ही पड़ेगा, तो तब 14 मैचों के बाद बनेगा 14 पॉइंट्स। निर्दंडित केकेआर टीम की बहुत ही खराब है, लेकिन उसके बारे में बाद में बात करते हैं। दूसरी तरफ दोस्तों आज सीएसके वर्सेस पंजाब का मैच है, तो सीएसके तो ऑलरेडी बाहर हो चुकी है। अगर पंजाब टीम ये मैच हार जाती है तो तब पंजाब भी प्लेऑफ रेस से बाहर होने वाली है। तो तब बचा रहा हैदराबाद और राजस्थान की टीम। तो अगर केकेआर टीम ये मैच जीत जाती है तो वैसे भी राजस्थान प्लेऑफ से बाहर हो जाएगी। अब दोस्तों हैदराबाद टीम का लास्ट मैच है मुंबई टीम के खिलाफ, अगर हैदराबाद ये मैच हार जाती है तो केकेआर कंफर्म रूप से क्वालिफाई कर जाएगी, लेकिन अगर एसआरएच ये मैच जीत जाती है तो तब नेट रन रेट जिसका ज्यादा होगा वो टीम क्वालिफाई करने वाली है। तो हैदराबाद टीम का रन रेट बहुत ही बढ़िया है, रन रेट से हराना उनको पॉसिबल नहीं है। तो अगर केकेआर को प्लेऑफ में जाना है तो पंजाब, राजस्थान और हैदराबाद तीनों टीमों को अपना लास्ट मैच हारना ही पड़ेगा। तो दोस्तों ये तो गया पॉइंट के हिसाब से। अब दोस्तों मजे की बात, दिल्ली और आरसीबी की टीम अपना लास्ट मैच हार के बुरी तरीके से फंस चुकी है। दोनों का 14 पॉइंट्स है, नेट रन रेट भी -1 के आसपास है, तो किसी एक टीम का 16 पॉइंट्स बनेगा और कंफर्म रूप से क्वालिफाई कर जाएगा, लेकिन एक टीम 14 पॉइंट पर ही रहेगा। तो अगर केकेआर, पंजाब, हैदराबाद में से 2 टीमों का 14 पॉइंट बन जाता है और नेट रन रेट ज्यादा होता है तो दिल्ली या तो आरसीबी प्लेऑफ से बाहर होने वाली है। तो केकेआर टीम क्वालिफाई करेगी या नहीं वो आज दोनों मैचों के ऊपर पूरी तरीके से निर्भर करने वाली है। उसके बाद दोस्तों बात करें आंध्र असल की चोट को लेकर, तो आंध्र असल पूरी तरीके से फिट नजर आ रहे हैं और केकेआर टीम ने लास्ट मैच से पहले एक प्रैक्टिस मैच भी खेल चुके हैं, जिसका छोटा सा क्लिप एक बार आप लोगों को दिखा देता हूं, जहां आंध्र असल को कुछ बड़े शॉट्स खेलते हुए भी देखने को मिला है। जी हाँ दोस्तों, इस प्रैक्टिस मैच में आंध्र असल को काफी लंबा प्रैक्टिस करते हुए देखा गया है। उनके साथ कुलदीप यादव, कमलेश नगरकोटी, नीतीश राणा और दिनेश कार्तिक भी इस मैच में शामिल थे। काफी बढ़िया मूड में आंध्र असल को देखा गया है, हर तरफ उनको बल्लेबाजी करते हुए देखने को मिला है। तो दोस्तों इस प्रैक्टिस मैच के बाद ऐसा लग रहा है आंध्र असल बिल्कुल फिट है और आज आंध्र असल और कुलदीप यादव दोनों को देखने को मिलेगा। तो आंध्र असल को अगर मौका मिलता है तो लॉकी फर्गुसन को बाहर जाना पड़ेगा और कुलदीप यादव रिंकू सिंह की जगह वापसी करने वाले हैं। तो ये केकेआर फैंस के लिए बहुत ही बड़ा गुड न्यूज कि आंध्र असल को लास्ट मैच में, जो कि बहुत ही बड़ा एक मैच होने वाला है, उसमें देखने को मिलेगा। और केकेआर को ये मैच सिर्फ जीतने से काम नहीं चलेगा, नेट रन रेट सही करने के लिए ज्यादा रनों से या ज्यादा विकेट से जीतना पड़ेगा। तो दोस्तों आप नीचे कमेंट करके जरूर बताना आपको क्या लगता है केकेआर की टीम प्लेऑफ्स खेल पाएगा कि नहीं। प्लेइंग 11 वीडियो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, एक बार जरूर से चेक करिएगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।